झांसी से अजय झा की रिपोर्ट। सीकरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज मोहल्ले में तीन चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। झांसी के सीकरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज मोहल्ले में तीन चोरों ने पीपीई किट की तरह कपड़े पहनकर बीती रात एक घर में प्रवेश किया और ताला तोड़कर नकली व सोना चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। जिस समय चोरी की घटना को अंजाम दिया गया उस समय घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। चोरी की यह घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। दरअसल घटना की रात एडवोकेट सुमित दत्त खरे अपने परिवार के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में घुसकर अलमारी में रखी नकली और जेवरात चोरी करके अपने साथ ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। उसमें चोर पीपीई किट की तरह कपड़े पहने घर में प्रवेश करते और फिर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज में तीन लोग रात के समय एक घर में चोरी करने घुसे थे। इन्होंने पीपीई किट की तरह कपड़े पहन रखे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की तस्दीक की जा रही है। देखिए सीपी थाना क्षेत्र के मसीहागंज क्षेत्र में एक 22/23 की रात को कुछ लोग गए हैं, उन्होंने घर में घुस के चोरी की है। वो कुछ पीपी किट की तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। करीबन 50,000 के आसपास चोरी बताई जा रही है, अभी और भी तस्दीक की जा रहा है उसको। तो क्या जिस तरीके से पीपी किट पहन करके चोरी करने का जो अंदाज है चोरों का, इसके पीछे क्या हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक तो होगा कि वो बच सकते हैं डॉक्टर की आड़ में? नहीं देखिए, ये एक छुपने का तरीका है पीपी किट पहन के, कि शायद हमको कोई पहचान ना सके, हमारी पहचान ना हो सके। और यूजली भी जो चोरी करते हैं तो मुंह में कपड़ा ढक लेते हैं, तो इस बार उन्होंने इस तरह का तरीका अपनाया है।